अल्लाम वरम् वेलकम टू बिलाल मई चैनल मैं आज आपसे अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सात साल पहले मैंने किया था uh, मेरी ये ख्वाहिश थी हर बंदे की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं लेकिन मेरी कुछ जो ख्वाहिशात थी इस दुनिया की उनमें से एक ख्वाहिश ये थी कि मेरे पासपोर्ट पर जो पहला वीज़ा इस्टैम्प हो वो या तो हज का हो या उम्र का हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका क्योंकि मुझे उमान जॉब की ऑफ़र हुई तो मुझे उमान आना पड़ा पहले का सेवे माश के सिलसिले में 2012 में 2012 में और उसके बाद 2013 के इस मंथ में हम जो है वो उम्र हमने प्लान किया तो सब दोस्त साथ थे तमाम ही उस वक्त जो है बैचलर से इक्का एक, एक शायद उसमें मैरिड था ये जो आप देख रहे हैं इनमें और ये जर्नी इतनी खूबसूरत जर्नी थी कि आज तक भी मतलब इसके बाद मैंने यूरोप पूरा घूमा उसके बाद और बहुत कंट्रीज़ वगैरह देखे लेकिन ये जो सफ़र था इस सफ़र की जो लज्जत और इसकी जो आप कह लें कि एक शास और फीलिंग्स हैं वो मैंने कहीं भी मुझे नहीं मिली इनफैक्ट इसके बाद मैं दोबारा भी फैमिली के साथ भी मैंने उम्र किया इसके बाद मैंने अलहमद हज भी किया वो भी मैं आपसे सफ़र शेयर करूँगा अभी हज का रमज़ान हज का महीना भी आने वाला है अभी दो तीन महीने बाद इन सो so, वो मेरा आज का सफर कैसा रहा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम फीलिंग्स थी ना ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी लज्जत क्या होती है तो हमने प्लान किया जब क्योंकि फैमिली बर्डन्स बहुत ज़्यादा थे शुरू से तो प्लान तो था लेकिन कर नहीं पा रही थे यहाँ आने के बाद अलहमदिल्ला थोड़े से पैसे वगैरह अच्छे हुए तो प्लान किया दोस्तों ने मिलके फिर दोस्तों को मैंने इकट्ठा किया आ जाएं यार चलते हैं साथ चलते हैं साथ चलते हैं सो छुट्टी उस टाइम हमारी कंपनी में नामुमकिन सी बात थी लेकिन सब ने तोल किया सब ने एक साथ साथन्स दी और आठों के आठों अलहमदिल्ला हम हमारा फाइनलाइज़ हो गया कि जस्ट वी आर लिविंग फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह सो अलमदिल्ला वहाँ से विलीव का मरल हल हुआ उसके बाद हम पहुँचे अपने जो जिस बंदे से हम कोऑर्डिनेट करे थे अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे वो आशिक भाई अब इस दुनिया में नहीं है वह उन्होंने हमारा ये हज का सारा प्रिपरेशन यहाँ से करवाया था उम्र का तो उन्हों उनको हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए एनओसी दिए टेस्ट वगैरह करवा के दिए मेडिकल तो उन्होंने हमारा अप्लाई कर दिया और उन्होंने हमें बता दिया भाई ठीक है सो so, हमने अपनी होटल्स वगैरह जो रखी थी वो दूर वाली थी सस्ता हमने पैकेज लिया था जो रीज़नेबल पैकेज होता है मतलब बहुत हाई फाई या बहुत कोई क्लॉक टावर वाला पैकेज नहीं था हमारा आ, सस्ता पैकेज था हमें चल के वॉक करके तकरीबन हमारा जो होटल था मक्का का वो ब्रिज के पास था फ़लस्तीन होटल जो लोग मक्का गए होंगे उन्होंने देखा होगा फ़लस्तीन होटल जो ब्रिज की तरफ है उसके साथ हमारा होटल था और जो मदीना में होटल था वो हमारा करीब था होटल वो मतलब दो सौ दो ढाई सौ गज़ था टोटल तो यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आ, फ्लाइट में और जब हम जा रहे थे तो मतलब एक फीलिंग्स होती है ना एक इंसान को कि यार अपने रब से मिलने जा रहे हैं रसूलुल्लाह के पास जा रहे हैं जन्नत के टुकड़े को हम पहुँचने जा रहे हैं और बोसा करने जा रहे हैं हम हजर असद को और ख़िलाफ़ काबा और काबा को देखने जा रहे हैं लाइव और वहीं पे नमाज़ इबादत करने जा रहे हैं तो वो फीलिंग्स हमें शुरू हो गई थी फिर हमने अहराम जो था हमारा बहरीन में हमारी क्योंकि एयर की फ़्लाइट थी चीप बजट फ्लाइट थी तो गल्फ एयर की हमारा बहरीन में स्टे था बहरीन हम रुकते हैं वहाँ से हम अहराम बांधते हैं अहराम बांध के फिर हमें वो जो आ, बीच में आ, करते हैं अपना बोलते हैं कि भाई ठीक है अब ये मिकाद आने वाला है अब आप नीयत कर लें तो फिर हमने नीयत की अपनी और नियत करके हम उतर जाते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे। सो उमान के बाद ये किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा पहली लैंडिंग थी सबकी ही तकरीबन तो उतरते हैं हम जद्दा एयरपोर्ट पे, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमारे पासपोर्ट्स वग़ैरह वो हमसे ले लेते हैं उस टाइम हमारे पास पासपोर्ट नहीं होते फिर वो कफ़ील को कॉल करते हैं हमारी वो कर के अपना इमिग्रेशन वगैरह जो है ठप्पे लगा के काफ़ी ट्रश थी वहाँ पर और फिर वंदे को कॉल करते हैं फिर हम बैठे रहते हैं ड्राइंग रूम में जो का बनाया हुआ था फिर हमारा जो बंदा था जिसने हमें यहाँ से वीज़ा दिए थे सऊदी अरब के वो पहुँचता है वो सबके पासपोर्ट लेता है पासपोर्ट लेके हमें वैन में बिठा के वो हमें ले जाते हैं होटल होटल ड्रॉप करते हैं होटल ड्रॉप करते हैं उस वक्त जो है वो तकरीबन दोपहर का वक्त हो जाता है सही वाला मतलब मग़रब से थोड़ा सा पहले असर कैसे असर का सा वक्त हो जाता है सो वहाँ हम फ्रेश होते हैं क्योंकि हम हालतें आहराम में ही होते हैं सारे के सारे तो हमने यही प्लान किया होता कि बस थोड़ी देर हम सिर्फ मुँह हाथ वगैरह धोएंगे फ़्रेश होंगे सोएंगे लेटेंगे नहीं डायरेक्ट जाएंगे हरम और हर पे अपना जो है वो उम्र अदा करेंगे तो शरीफ भाई हमारे साथ थे अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे शरीफ भाई बटकल से हैं इंडिया से वो हमारे साथ थे तो वो हमें लेके गए अब हमने ये अब अब्ज़ॉर्व किया हुआ था हमने ये मतलब कि जब पहली नज़र पड़ेगी काबा पे तो जो भी आप दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है तो हर बंदे के दिल में अपनी अपनी दुआएँ थी जो पहली दुआएँ तो इसी तरह हम बस दाखिल होते हैं जो फीलिंग्स हमें होटल से कदम हमारे गुजरे हरम तक वो पूरा रास्ता हालांकि वो सात आठ सौ मीटर का रास्ता था वो पूरा ऐसे जैसे सनसनाहट और बस मैं वो फीलिंग्स में नहीं बयान कर सकता उसके बाद वो फीलिंग्स मुझे आई भी नहीं दोबारा वो फीलिंग्स जो थी वो वन इन वंस इन अ लाइफ टाइम थी कि अपने रब की तरफ हम जा रहे हैं चलते हुए उस घर की तरफ जिसको हम हमेशा हमने सिर्फ टीवी और एड्स में और अजान की जो एक वीडियो आती थी, थी पहले पीटीवी पे उसमें ही देखा था सो हर कदम पे एक सोच थी एक ख्याल था और एक रूहानियत का एक समझ लें कि अल्लाह से एक लिंक और दुआएं और चीज़ें वो चलना शुरू हो गई थी वहीं से सो पहुँचते 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 अभी उस उस वक्त हरम की ये तमीर नहीं हुई थी जो बीच में भी बरामदा वगैरह बन गया और ये इस तरह का भी जो नया एरिया बन गया वो जब मैं हज पे था उन दिनों में वो चल रहा था उसकी तामीर चल रही थी सो हम पहुंचते हैं तो शरीफ साहब ने कह दिया ठीक है हम जो है इस तरह से इंट्रेंस पे दाखिल होंगे और जब दाखिल होंगे तो उसके बाद जब आपको मैं कहूँ तो आप नज़र उठाएगा तो सामने आपके हरम होगा और आपका जो दिल में दुआ कीजिएगा सो हम इसी तरह जब हम बरामदे में दाखिल हुए मतलब जो बाहर का सहन है मेन उसमें हम दाखिल हुए तो वहाँ से चलते 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 एक बरामदा आया बरामदे के बाद फिर दूसरा कॉरिडोर उसके बाद फिर मेन सहन सो so, हम क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे गए थे जो पहली फ्लोर है वहाँ पर पे हम गए थे पहली बार तो वहाँ हम पहुँच के अब कहा शरीफ साहब ने अब आप जो है ज्यारत करें काबा की और जो दुआएँ आए दिल में करें सो so, वो जो फीलिंग थी ना आई कान डिस्क्राइब कान डिस्क्राइब एट ऑल लाइक बस कुछ समझ नहीं आ रहा था वो जलाल जो था क़ाबा का वो रब की जो हमें मतलब एक मैं क्या बताऊँ आपको कि जब मतलब सामने देख रहे थे हम बिल्कुल और जो जो बस दिल में आया उस टाइम दुआएं वगैरह तो सब भूल जाती हैं लेकिन जो फीलिंग्स आ जाती है ना एक शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है इंसान को और बस हजारों कतार आंसू और दुआएं बस वो चलता रहा मामला तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए अल्लाह ताला अपनी बारगाह में तमाम कबूल फरमाए तमाम लोगों की जितने भी जाने वाले जितने परेशान हाल हैं सब की परेशानियाँ दूर फरमाएँ अच्छा वो ज्यादात हम करते हैं ज्यारत करने के बाद फिर दुआएं करने के बाद काफ़ी देर फिर हम अपनी उम्र स्टार्ट कर देते हैं so, सो उम्र हम स्टार्ट कर देते हैं नीचे सहन में जाके सही वग़ैरह करके हम अपना तवाफ़ करके दो दो रखत नफिल पढ़ के उसके बाद जो तो सही वग़ैरह करके फिर हम मकाम इब्राहिम पे तवाफ़ करने के बाद दो रखत नफिल पढ़ते हैं उसके बाद जो है वो नमाज़ आ जाती बीच में फिर हम नमाज अदा करते हैं नमाज़ करने के बाद अदा फिर हम सही करते हैं सफ़ा और मरवा तो सही कर लेते हैं सफ़ा और मरवा की क्योंकि सारे हम अलमदिल्ला नौजवान थे तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और उसके बाद हम जाते हैं फिर हलक करवाने सो so, हलक वाला जो था सेगमेंट वो पीछे ही निकलते हैं क्योंकि जब आप मरवा पे एंड करते हैं पहाड़ी पे तो पीछे ही जो है वो काफ़ी सारे लोग हैं और इनफैक्ट अंदर भी वहाँ पे वो बाल काट रहे होते हैं थोड़े थोड़े लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपके सर का जो है वो एक अच्छा हिस्सा कट कटना चाहिए सो बजाय आप अपने उस वक्त भी फैशन को कंटिन्यू रखें आप बेहतर यही है कि आप प्रॉपर जो सुन्नत के मुताबिक अमल है उसको करवाएँ तो हम सब ने हलक करवाया प्रॉपर और क्योंकि हमारा नेक्स्ट उम्र उम्रों का भी प्लान था कि हम एक दो तीन जितनी भी अल्लाह ने हिम्मत और दी वो भी करेंगे तो वो हलक हमने मुकम्मल किया हलक मुकम्मल करके फिर हम पहुँचते हैं इसके बीच में बहुत सारा मतलब एक फ़न था क्योंकि दोस्त यार थे सारे और चीज़ें थी और उसके बाद हलक के बाद फिर हम पहुँचते अपने होटल थके मधे और लेकिन वो जो हमने इंजॉय कर लिया था वो शायद अब कभी ज़िंदगी में ना हो वो शायद उस वक्त हो जब रब से मुलाकात हो इन शल जन्नत में क्योंकि रब जो है वो ख़ुद हम कलाम होंगे तमाम जन्नत से तो भाई अपनी फ़िक्र करें अपनी जन्नत बनाएँ ताकि वो रबालमीन आपसे ख़िताब करें जो इन तमाम जहानों का रब है जिसके पास हम सबको लौट कर जाना है और ये इतना मुबारक महीना दिया अल्लाह ताला ने हमें फिर से अगर हम मर जाते इससे पहले तो ये हमें ना मिलता तो इसको आपने पा लिया है बस कोशिश करें कि इसको जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैश करें और बस दे दें अपना सब कुछ अपना वक्त अपनी माल अपना जान सब अल्लाह की राह में ताकि अल्लाह पाक इस दुनिया में जो अभी भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ शायद अगली बात भी ना हो क्योंकि वो रब है ना उसके हिस्से में जान जान हमारी इतनी सी है सिर्फ़ सो तो वो तमाम चीज़ें हमें मिल जाएँ जो कि हमेशा रहने वाली हैं क़यामत की सो तो अपनी आख़रत की फ़िक्र करें इसके बाद मैं आपसे कुछ मजीद शेयर करूँगा इसी जर्नी में जो हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई इंटरेस्टिंग बातें जैसे हम सिम लेने गए तो क्या हुआ उसके बाद हमने जो है वो शॉपिंग करने गए वहाँ पर मक्का में हरम में तो क्या हुआ उसके बाद जब हमने अपना मदीना का सफ़र किया जब रसूलुल्लाह से हम मुलाकात करने जा रहे थे रोज़ रसूल पे तो क्या चीज़ें हुई वो सब एक लॉन्ग जर्नी है वो मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा फिर कभी मुझे दीजिए इजाज़त दुआओं में रखें याद रमज़ान का महीना है खुश रहें खुश रखें व रहमतुल्लाह